हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांड की तरफ से ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके रिगार्डिंग अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि फॉर्म की डेट क्या होगी, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इनिशियल इन हैंड सैलरी, एग्जाम पैटर्न, तो सारा कुछ क्लियर करने वाली हूँ इसमें। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले बता दिया कि इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांड में ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आया, जिसका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 9 सितंबर से, एंड लास्ट डेट है आपका 29 सितंबर 2023। पोस्ट वाइज अगर देखें फ्रेंड्स, तो आपका फायरमैन का वैकेंसी है, जिसके लिए 10th क्वालिफिकेशन चाहिए। लेवल 2 का इसका सैलरी मिलता है 19,900 रुपीज़ से लेकर 63,200 रुपीज़ के बीच में। मैसेंजर, रेंज चौकीदार, मजदूर, गार्डेनर, सफाई वाला 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है। लेवल 1 की सैलरी इसमें भी आपको 18,000 to 59,900 रुपीज़। उसके बाद आती है कुक की वैकेंसी का डिटेल, तो उसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ नॉलेज ऑफ ट्रेड, मतलब अब आप कुक बनने जा रहे हो तो कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए आपको। इसमें भी मिलेगा लेवल 1 की सैलरी 18,000 to 59,900 रुपीज़ की। CSBU ग्रेड 2 का आपको 10th पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी ऑफ हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज का आपको नॉलेज होना चाहिए। लेवल 1 की सैलरी मिलती है 21,700 to 69,100 रुपीज़। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 12 पास आउट होना चाहिए, सैलरी मिलेगा लेवल 4 का 25,500 to 81,100 रुपीज़। उसके बाद है LDC की रिक्रूटमेंट, जिसके लिए सिंपली 12 पास आउट होना चाहिए, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,900 to 63,200 रुपीज़। सो आई होप कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एंड सैलरी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो आपका मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 25 इयर्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी मिलता है, OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। रही बात सिलेक्शन की प्रोसेस की, तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है आपका स्किल या ट्रेड या फिजिकल टेस्ट, मतलब कि जो भी बच्चे स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, मतलब शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। जो कुक वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, गार्डनर के लिए करेंगे, उनका ट्रेड टेस्ट होगा। फिजिकल उन बच्चों का होगा जो फायरमैन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो जब फॉर्म आया है उसमें आपको सारा कुछ क्लियर बताया गया है नोटिफिकेशन में। वो नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर लूँगी, तो आप उसमें जाके देख लेना। उसके बाद होगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन होता है लास्टली आपका मेडिकल, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। ये फॉर्म फ्रेंड्स आपका ऑफलाइन आया है, तो इसका जो फॉर्म है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो मैं थोड़ा आपको एग्ज़ाम की पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होगा 150 मार्क्स के लिए। टाइमिंग फ्रेंड्स अभी इसमें बताया नहीं गया था, इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं बता पाऊँगी। जैसे ही इसका क्लियर एग्ज़ाम पैटर्न आएगा मैं न्यू वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आइए, जैसे सब्जेक्ट वाइज बताया मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, एंड मैथ्स स्टेनो के लिए नहीं रहेगा, बाकी पोस्ट के लिए मैथ रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आओ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। तो जॉब लोकेशन आपका हरियाणा रहने वाला है। हरियाणा के अंडर ही जो वेस्टर्न कमांड है उसमें हरियाणा के लिए पोस्ट आई है। टोटल पोस्ट है 37।
पोस्ट मैंने बस इसलिए बताया है फ्रेंड्स, ताकि बाद में आप लोगों को ये ना लगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखा, उसमें पता नहीं चलता है कि कितना पोस्ट पर वैकेंसी आया है। मैं आपको क्लियरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको जॉब की अपडेट देना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप फॉर्म अप्लाई करो, अदरवाइज कोई बात नहीं, कम सीट है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम है इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने जो आपको डिटेल बताया है इंडियन आर्मी वेस्टर्न कमांड ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन मैं पोस्ट करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, और सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, जाके वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हो। इस वीडियोस को आप खूब सारा लाइक करना, प्यार देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।